उत्तराखंड में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा बजट के बाद से राहुल गांधी के चेहरे का नूर हुआ गायब। शाह ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं की सराहना। जनता के लिए जो अच्छी घोषणाएं होती थी, तनिक मेघ थपथपा लिया होता, किसान खुश होता, मजदूर खुश होता, मध्यम वर्ग का व्यक्ति खुश होता कि इससे आपको भी आनंद हुआ है। मगर विपक्ष के नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष के मुंह से नूर गायब हो गया था। पीएम मोदी की रैली में मची भगदड़, कई लोग हुए घायल। पश्चिम बंगाल के ठाकुर नगर में हो रही थी पीएम की रैली। देश के इतिहास में पहली बार किसानों और कामगारों के लिए बहुत बड़ी योजनाओं का ऐलान किया गया है। पश्चिम बंगाल में गरजे गृह मंत्री राजनाथ सिंह, कहा बंगाल में मां मिट्टी और आदमी कोई भी नहीं है सुरक्षित। फालाकाटा में रैली को संबोधित कर रहे थे गृह मंत्री। उपेंद्र कुशवाहा के आक्रोश मार्च में हुआ लाठीचार्ज, कुशवाहा की पार्टी ने नीतीश सरकार के खिलाफ निकाला था मार्च। दिल्ली NCR में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 6.1 रही। अफगानिस्तान के हिंदू कुश में था भूकंप का केंद्र। राज्य रेल मंत्री मनोज सिन्हा ने जारी किया डाक टिकट, कहा कुंभ में डाक टिकट जारी करना गौरव की बात। मेरे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि कुंभ मेला प्रयागराज पर स्मारक डाक टिकट जारी करने के अवसर पर मुझे आपके बीच उपस्थित होने का अवसर मिला है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरी का बड़ा बयान, कहा कुंभ बांध करेंगे अयोध्या कूच, राम जन्मभूमि बनवाने को है पूरी तरह तैयार। जो राम जन्मभूमि के मसले हम लोगों ने ये निर्णय किया है कि कुंभ के बाद, अभी तिथि हम नहीं बता रहे हैं, जो कुंभ के बाद हम लोग सभी लोग, हमारे नागा लोग, सभी तेरह अखाड़ों साधु महात्मा अयोध्या कूच करेंगे। IPS ऋषि कुमार शुक्ला बने CBI के नए डायरेक्टर, 2 साल के लिए होगी तैनाती। आलोक वर्मा की छुट्टी के कारण कई दिनों से चल रहा था CBI डायरेक्टर मामले पर विवाद। HS न्यूज, जहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।